अगर आप गूगल मैप पर सर्च करते हो सर्वोदय हॉस्पिटल इन गौर सिटी, तो बिल्कुल ही आपकी सोसाइटी के सामने होने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग फ्रीक इंडिया प्रॉपर्टी चैनल। तो मैं आज आपको लेकर चलता हूँ गौर की एक सोसाइटी 16 द वेन्यू, जिसका साइज है 2 BHK 960 स्क्वायर फीट। सो दिस फ्लैट अवेलेबल ओनली फॉर द सेल। तो सबसे पहले हम फ्लैट की तरफ एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपको एक हॉल मिलता है, हॉल के साथ एक आपको अटैच बालकनी देखने को मिल जाती है और बालकनी के साथ कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाता है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो इसके साथ आपको कॉमन वॉशरूम भी देखने को मिल जाता है, जो कि हालांकि 2 BHK फ्लैट में नहीं मिलता है, तो ये 3 BHK फ्लैट में ज़्यादा मिलता है। तो ये आपका एक कॉमन वॉशरूम हो गया। और यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड पर चलते थे फ्लैट की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाते ही आपको फुल्ली मॉड्यूलर किचन इस फ्लैट के साथ बेसिकली मिल जाती है। तो ये आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बेसिकली एल शेप की बेसिकली आपकी किचन हो जाने वाली है। एल शेप के किचन के साथ आपको किचन के अंदर एक एग्जॉस्ट आरओ लगा हुआ ऑलरेडी मिल जाता है। तो हम यहाँ से एंटर करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम का अगर रूम साइज की हम बात करें तो 10x11 का रूम साइज होने वाला है। तो बेसिकली सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, इसमें सारा कबर्ड्स का काम भी इसमें हो रखा है फ्लैट के साथ। तो आप देख ही रहे कि वॉल टू वॉल इसमें पूरी आपकी वॉलड्रॉप बनी हुई है। और वॉलड्रॉप के साथ हम यहाँ से एग्जिट करते हैं अपने बालकनी की तरफ। तो ये आपकी बालकनी हो जाती है, बेसिकली आपकी एल शेप की बालकनी, बहुत ही प्यारी बालकनी है। और इस फ्लैट का सब यूएसपी पॉइंट जो इसमें देखने को मिलेगा आपको, वह है इस फ्लैट का कॉर्नर का होना, कॉर्नर के साथ साथ इसका रोड व्यू होना। तो इस फ्लैट की अगर रोड व्यू या इसकी PLC की अगर मैं बात करता हूँ, बेसिकली जो व्यू इस फ्लैट के साथ आपको देखने को मिलता है वो अनबीटेबल है, जो कि आपको हर सोसाइटी के साथ देखने को नहीं मिलेगा या हर फ्लैट के साथ देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम की तरफ। तो अब आपका ये मास्टर बेडरूम का अगर हम साइज़ की बात करते हैं, तो ये आपका 10x12 का आपका मास्टर बेडरूम का साइज़ होने वाला है। तो बेसिकली आपको इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक वॉल टू वॉल फिटेड वार्डरोब देखने को मिल जाती है, और इसके साथ भी एक वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका सेकंड वॉशरूम हो गया, एक कॉमन वॉशरूम हो गया, एक आपका सेपरेट वॉशरूम हो गया मास्टर बेडरूम के साथ अटैच। तो बेसिकली कुछ चीज़ें आपको इस फ्लैट के अंदर रिपेयर कराने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसमें ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको ऑनर करा के देने वाले हैं। तो आपको फिलहाल ये फ्रेश फ्लैट मिलने वाला है। तो इसमें वार्डरोब की अगर मैं बात करता हूँ एक क्वालिटी, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी यूज़ की गई है फ्लैट के साथ। तो काफ़ी टाइम से फ्लैट लॉक भी था ये अपना, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गंदा भी है। तो आपको बेसिकली क्लीन होके और आपका थोड़ा डेंडिंग बेंडिंग होके फ्लैट आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली ये आपकी थर्ड बालकनी हो जाती है फ्लैट के साथ, इसका भी कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात अगर फ्लैट की फेसिंग की मैं बात करता हूँ, तो आपके इसकी वेस्ट की फेसिंग होने वाली है, और साथ ही साथ आपको ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलेगा जो कि आपको उस बड़ा सेटिस्फेक्शन देने वाला है। तो ये है आपका फर्स्ट बेडरूम जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखा दिया था। इसके साथ साथ ये व्यू हो जाता है, इस व्यू को आप इंजॉय कर सकते हैं एवरी मॉर्निंग। और इसमें सनलाइट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको सेकंड हाफ की बहुत अच्छी धूप देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और अपने जानने वालों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। और आपको मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।